नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज. ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे, टू कंपेयर और मेजर एन अननोन टेम्परेचर. ठीक है, आपको कोई अननोन टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो वो आप किसकी, स्लाइड वायर ब्रिज की हेल्प से कर सकते हो. जबकि इसका मेन पर्पस क्या होता है, टू कंपेयर या टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस. लेकिन हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या करती है, चेंज होती है. आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है बाय दिस फॉर्मूला आर एस आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा थीटा. ठीक है, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, इसको ओपन कर लेती हूँ, तो आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा थीटा. ठीक है, इतना आ गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन. ठीक है, सेकेंड में हम क्या करेंगे, इक्वेशन अगर सपोज करो ये आर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब कि ये रेजिस्टेंस 100 डिग्री सेल्सियस पे मुझे चाहिए, तो ये हो गई आर 100. बेस में 100 लगाकर मैंने क्या शो करा कि ये रेजिस्टेंस है एट 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट टाइम्स अल्फा इंटू 100. ठीक है ना, ये होगी. अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, आर माइनस आर नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा थीटा. ठीक है, इसको इक्वेशन थ्री दे देते हैं. और सेकेंड इक्वेशन को भी सेम, आर 100 माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा इंटू 100 हो जाएगा. इसको इक्वेशन फोर दे देते हैं. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर को जब डिवाइड करेंगे तो ये अल्फ़ा, ठीक है ना, क्योंकि ये आप सेम रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो, मतलब सेम ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो क्या है, सेम रहेगा अगर आपके पास सेम ऑब्जेक्ट है. ठीक है ना, सेम वायर है जिसका आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास बनेगा आर माइनस आर नॉट अपॉन आर 100 माइनस आर नॉट इक्वल टू, ठीक है, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये बनेगा थीटा अपॉन 100. ठीक है, थीटा क्या है, वो टेम्परेचर जो आपको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से थीटा हमारे पास निकल आएगा, थीटा हमारे पास आ गया आर माइनस आर नॉट अपॉन आर 100 माइनस आर नॉट इंटू 100. ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, थीटा यानी कि अननोन टेम्परेचर. ठीक है, कंडीशंस क्या है कि आप आर, इसको अगर मैं आर की जगह आर थीटा लिख देती हूँ, मतलब ये वो रेजिस्टेंस है जो जो आपको किसी अननोन टेम्परेचर पर निकालनी है. ठीक है, तो सपोज करो कि आपके पास एक वाटर, ठीक है, हॉट वाटर है और आपको उसका टेम्परेचर नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को हॉट वाटर में डालकर, ठीक है, आर थीटा मेजर कर लेंगे बाय स्लाइड वायर ब्रिज. ठीक है ना, इस ब्रिज से क्या करेंगे, आर थीटा मेजर कर लेंगे. सिमिलरली आर नॉट है हमारे पास रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिर इसको क्या बोलते हैं, ये आर, ये जो रेजिस्टेंस आपने हॉट वाटर में डाली ये है एट टेम्परेचर थीटा, इसको अब क्या करेंगे हम एक कोल्ड, आइसी कोल्ड वाटर में जिसका टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पर इस रेजिस्टेंस को डालकर, तो अब क्या देगी आर नॉट. ठीक है, तो स्लाइड वायर ब्रिज से आर नॉट मेजर कर लेंगे. सिमिलरली आर 100 यानी कि बॉइलिंग वाटर, ठीक है, बॉइलिंग वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है. बॉइलिंग वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर है, उसमें हम पुट करेंगे ये सेम रेजिस्टेंस और फिर मेजर करेंगे रेजिस्टेंस थ्रू स्लाइड वायर ब्रिज. ठीक है, तो यहाँ से मिलेगी आर 100. ठीक है, ये तीनों मेजर कर लिए, उसके बाद आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपको मिलेगा अननोन टेम्परेचर, यानी कि ये जो आपके पास वाटर था, ठीक है, इस वाटर का क्या टेम्परेचर था वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, ज़रूरी नहीं है वाटर, आप किसी और चीज़ का भी टेम्परेचर इस के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो.
ओके, नेक्स्ट है इसमें एप्लीकेशन टू कंपेयर टू अननोन रेजिस्टेंसेस। ठीक है, सपोज करते हैं कि हमारे पास दो अननोन रेजिस्टेंसेस आर वन एंड आर टू हैं और हमें कंपेयर करना है इन दोनों रेजिस्टेंसेस को कि विच वन इज़ ग्रेटर, विच वन इज़ स्मॉलर एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्लाइड वायर ब्रिज की हेल्प से आर वन और आर टू दोनों फाइंड आउट कर लेंगे। आर वन कैसे निकलेगा, सपोज करते हैं कि आर वन के लिए आपका रेशियो पी अपॉन क्यू जो है वो लेंथ एल वन अपॉन 100 माइनस एल वन, यानी कि आर वन जब आपने रेजिस्टेंस यूज़ करी उस वक्त जो आपका स्लाइड वायर ब्रिज पे आपने स्लाइड किया तो आपकी लेंथ एल वन तक आप पहुँचे। ठीक है, तो सेकंड क्यू जो होगा वो 100 माइनस एल वन होगा। ठीक है, ये आपका इक्वल आता है पी अपॉन क्यू या फिर पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स, वेयर एक्स इज़ योर अननोन रेजिस्टेंस। राइट, तो अननोन हमारे पास यहाँ पर क्या है, आर वन, तो हम इसको लिख देंगे आर अपॉन आर वन। ठीक है, तो यहाँ से आर वन जब आप निकालेंगे तो वो आपकी वैल्यू आएगी आर वन इज इक्वल टू आर इंटू क्यू अपॉन पी। ठीक है ना, आर इंटू क्यू अपॉन पी जब आप करेंगे तो ये आपका पी अपॉन क्यू है, इसको अगर देखें तो क्यू अपॉन पी क्या निकलेगा, 100 माइनस एल वन अपॉन एल वन। राइट, तो इसको लिख देते हैं 100 माइनस एल वन अपॉन एल वन। ठीक है, इक्वेशन वन। ठीक है, सिमिलरली आपके पास आर टू जो है वो इसी तरह से बिल्कुल निकलेगा आपके पास आर टाइम्स 100 माइनस एल टू अपॉन एल टू। ठीक है, तो आप कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, आर वन को आर टू से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, सिंपल हो जाएगा। तो आर वन अपॉन आर टू जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 100, हमने पहले क्या रखा आर वन, 100 माइनस एल वन अपॉन 100 माइनस एल टू इंटू, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर आएगा आपका तो ये बनेगा एल टू अपॉन एल वन। सो कंपेयर करने के लिए आपको रेजिस्टेंसेस ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये क्या है, एल वन एल टू क्या होते हैं, लेंथ ऑन दी स्लाइड वायर ब्रिज, मतलब आपने स्लाइड वायर ब्रिज पे कितना स्लाइड करा के आप नल पॉइंट तक पहुँचे वो होता है आपका एल वन एल टू। ठीक है ना, तो आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो अननोन रेजिस्टेंसेस।